अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाज। मैं हूँ आमना नवाज। सबसे पहले मुझे इनकी फैमिली से पता चला कि ये टूर का शौक रख, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, वो भी बाइक पे ही इतना लंबा सफ़र बाइक पे करते हैं। उनको पहले पता चल चुका था कि ये टूर का शौक रखते हैं, लेकिन शादी के दूसरे दिन बात हुई टूर के बारे में तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला, और हमने प्लान किया कि फौरी तौर पर हनीमून जो है वो एक खंजरा पास का जो है वो टूर रखूँगा और वहाँ पर टूर किया जाए। लेकिन फिर मिसेस के जो एग्ज़ाम्स थे उनकी वजह से टूर थोड़ा पोस्टपोन हुआ और नेक्स्ट मंथ हमने इसको प्लान किया। उससे पहले तो मैंने ख्वाब में भी सोचा ही नहीं था कि बाइक पे सफ़र करना कैसा होगा। सबसे पहले तो मैंने इनकी वीडियोस, जब इन्हें शौक़ था तो फिर मेरे भी दिल में आया कि मुझे भी ये शौक़ पैदा करना चाहिए कि मैं भी इनके साथ जाऊं और हम टूर पे इकट्ठे जाएं और फिर एंजॉय करें अपनी लाइफ को। थकावट कहाँ होनी थी जब इतना अच्छा मौसम हो और फुल एंजॉय कर रहे हूँ, साथ बाइक पे सफ़र हो रहा हो ऊपर पहाड़ों में। तो बाइक का टूर स्टार्ट हुआ हमारा जो है मानसेरा से। मानसेरा से हमने सुबह 8 बजे निकले और नाश्ता किया, और पहला पड़ाव वो जो था वो नारायण के आसपास था। हम पहुंचे रात में बटाकुंडी, रास्ते में खूब एंजॉय करते हुए, और चूंकि बेगम साहिबा का पहला टूर था तो ज़्यादा उनको जो है वो मशक्क़त में भी डाल सकते, और वैसे भी अगर इंजॉय ही नहीं करना, सिर्फ राइड तो नहीं करने गए थे, इंजॉय भी करना था। तो हम यूँ पहुँचे रात तक बटाकुंडी, और बटाकुंडी में नाइट स्टे किया। सुबह अर्ली मॉर्निंग बटाकुंडी से निकले, और जो है बाबूसर पे, चूँकि बारिश हो रही थी तो बाबूसर पे उस दिन जो है वो स्नोफॉलिंग का सीन था। लेकिन हम निकल चुके थे बाबूसर से जब वहाँ पे स्नोफॉल हुई, और आगे बारिश में भी थोड़ा भीगे, और हमारा जो नाइट स्टे हुआ वो गिलगित में। गिलगित से हमने निकलना था सुबह अर्ली मॉर्निंग, और फिर गिलगित से हम पहुँचे जनाब सोस्त। सुस्त, इसके दरमियान जो अताबाद लेक और ये चीज़ें इंजॉय करते हुए हम सुस्त पहुँचे। सुस्त नाइट स्टे करने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग उसी तरह से हम हंजरा पास के लिए निकल गए। हंजरा पास पे थोड़ी देर इंजॉय किया, और उसके बाद हंजरा से वापस, और हम पहुँचे हंजा। तो इन सारे सफ़र में हमारा साथ दिया हमारे GS150 ने, जिसने भरपूर साथ दिया और ख़ूब इन्जॉय करवाया। इसका कंफर्टेबल लेवल बहुत आला था, और ख़ास तौर पर बाबूसर टॉप पे और हंजरा पे तो इसका इसने मतलब दूसरी बाइक वहाँ पे थोड़ी मुश्किल करती है। और जितना हमारे पास लोड था और जितना हमारे पास सामान था, इसने काफ़ी साथ दिया, काफ़ी हिम्मत दी हमें। अच्छा जी, और फिर इसी तरह हम अगले दिन चलास आकर रुके, और यूँ हम मानसेरा वापस पहुँचे। और ये हमारा हनीमून का टूर जो है वो 1 वीक का था, और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया।